आपको संदीप जी, क्या घर में से निकलने नहीं दिया जा रहा है? पुलिस बाहर बैठी हुई है जी। पुलिस ये कह रही है कि मुझसे आग्रह कर रही है कि घर से बाहर ना निकलूं, और कह रही है वो रूटीन ड्यूटी पे हैं, और ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उनके पास मुझे रोकने का कोई रिटन ऑर्डर नहीं। अब मैं इसका आदि हो गया हूँ, ये तीसरी बार मेरे साथ हो रहा है। एक बार 11 अगस्त 16 अगस्त को कश्मीर के मुद्दे पे हुआ, और ये तीसरी बार है कि घर में रोका जा रहा है, और दो कार्यक्रम फैजाबाद में अयोध्या में करने से भी रोका गया। तो ये इस सरकार का नया तरीका है कि आपको ये कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने ही नहीं देंगे, और ये मुझे लगता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सेक्शंस क ख घ यानी कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी, कहीं पे भी इकट्ठा होने की आज़ादी बिना हथियारों के साथ, और पूरे भारत में घूमने फिरने की जो आज़ादी है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है। और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर है, इस मुद्दे पे मुझे ये कहना है कि जब पूरा देश विरोध कर रहा है इसका, अब मुझे नहीं लगता देश का कोई भी कोना बचा है जहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन नहीं, जहाँ पे नहीं हो रहे हैं। कश्मीर पे तो इन्होंने 80 लाख की आबादी पे 8 लाख की सेना लगा के वहाँ के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होने दिए, लेकिन पूरे भारत में कैसे रोकेंगे? कहाँ से इतनी सेना और पुलिस लाएंगे? तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि वो अपनी विचारधारा के आगे कोई और विचार को मानने को ही नहीं तैयार है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहते हैं कि घुसपैठियों को चुन चुन के ये देश से निकालेंगे, मुझे लगता है कि अब जनता को हमारी विधानसभाओं और संसद से इनको चुन चुन के निकालना पड़ेगा। नहीं संदीप जी, एक चीज़ और कहेंगे भाई, जो मेरी समझ है और जैसा आपकी कॉल थी जी, आप तो उस संवेदना और उनके साथ थे एक तरह से, जो जामिया में लड़कों की पिटाई जिस ढंग से हुई जी, जी। उनके साथ आप खड़े थे जी, जी, जी। तो एक हिंदुस्तान के में कोई भी हिंदुस्तानी हो जी, जी। अगर कहीं कोई दुख होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप जाके पूछते हैं जी, 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 सही बात। तो शायद अब तो देख के ये लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब सरकार से इजाजत लेनी होगी कि कहीं किसी के यहाँ कोई मर जाए जी, जी, जी। तो आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार डिसाइड करेगी जी, सही बात। क्योंकि कल के दिन मान लीजिए कोई यहाँ पे शुएब साहब आपके 72 साल के हैं, उनको कुछ हो जाता है तो आपको लगता है कि ये पुलिस आपको जाने देगी? नहीं, शुएब साहब के घर पे तो शाम को 5 बजे से ही पुलिस लगी है, और मेरे घर तो सुबह 8 बजे से, और रिटायर्ड IPS अफसर दारापुरी जी के घर पे भी लगी हुई है क्योंकि वो भी प्रदर्शन में आने वाले थे। तो आप सही कह रहे हैं, ये तो ऐसा माहौल हो गया है कश्मीर पे जो सरकार ने निर्णय लिया, उसके बाद प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता ने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में कि अब कश्मीर का भारतीयकरण नहीं होगा बल्कि भारत का कश्मीरीकरण होगा। तो ये भारत का कश्मीरीकरण ही है कि आपको आपके घर में डिटेन कर लिया, बोलने नहीं दे रहे हैं, आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कुछ करेंगे तो आपके खिलाफ अभी पैलेट गन यहाँ चलना बाकी है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सब कुछ जो कश्मीर में हो रहा है वो अब पूरे भारत में हो रहा है। और आपको एक इस सारी उसमें एक पॉजिटिव नोट ये लग रहा है, ये पूरा देश खड़ा हो रहा है? हाँ, ये तो देखिए बहुत एक सकारात्मक चीज़ हो रही है। हमें लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। गुजरात के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, वहाँ इस तरह की परंपरा नहीं है कि लोग सड़कों पर निकल के और विरोध प्रदर्शन करें। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन गुजरात के LD इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस का शुल्क बढ़ाने से शुरू हुआ था, और वहीं पे उनकी सरकार गई, पहले चमन भाई पटेल की, और बाद में पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन वो JP के नेतृत्व में जो पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ, तब इंदिरा गांधी की सरकार गई। तो गुजरात में इनको लगा था जैसे इन्होंने मनमानी कर ली, उसी तरह की मनमानी ये पूरे देश के साथ कर लेंगे, और कश्मीर पे फैसला करके इनका हौसला बढ़ गया था, इनको लगा कि कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसपे कि देश के लोग अब निकल के आ गए हैं सड़कों पे, और मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए एक संकट की घड़ी है, उसको समझना चाहिए। अगर उसने समझदारी से काम नहीं लिया और नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की प्रक्रिया को वापस नहीं लिया, तो ये थमने वाला नहीं है विरोध।